खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर सीजन में हम सबको अलग अलग लोग दिखाई देंगे, जहां पे कश्मीर महाजनी से लेकर यू नो समर्थ जुरैल ले लीजिए, या फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिल्पा शिंदे ले लीजिए। हर किसी की अब बातें सामने आ गई हैं और ऐसे में शिल्पा शिंदे का फाइनल ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। क्या कहती हैं शिल्पा शिंदे इस खतरों के खिलाड़ी को लेकर, चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मैं राहुल बोझ। और दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि खतरों के खिलाड़ी की फाइनल लिस्ट में आसिम रियाज के साथ शिल्पा शिंदे भी आ गए। मतलब इस बार लग रहा है कि जैसे खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाने वाला है, क्योंकि सीजन 14 के खिलाड़ी ही कुछ ऐसे हैं, चाहे वो अभिषेक कुमार ले लीजिए, चाहे वो आसिम रियाज ले लीजिए, चाहे वो शिल्पा शिंदे ले लीजिए, ये वो बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बिग बॉस में धमाल मचाया था। और ऐसे में अब ये लोग धमाल मचाने के लिए आ गए हैं दोस्तों, नन अदर देन खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में। तो रोहित शेट्टी क्या कहते हैं, रोहित शेट्टी के सामने स्टंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं दोस्तों। रोहित शेट्टी के साथ स्टंट करने के लिए शिल्पा शिंदे कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जिस तरीके से, और स्टंट गुरु रोहित शेट्टी से सारी चीज़ें मैं सीखूंगी, मेरे फैंस को मैं प्राउड फील कराऊंगी, और साथ ही साथ मैं अपने फैंस के लिए ये शो कर रही हूँ। ये बात कहती हैं जहाँ पर मैं फ़िज़िकल और मेंटल दोनों ही तरीके के चैलेंजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहूंगी। अब दोस्तों, शिल्पा शिंदे का खतरों के खिलाड़ी में आना, ये सचमुच में एक अलग बात है, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि शिल्पा शिंदे हम सबको पता है भाभी जी घर पे से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, और उसके बाद खतरों के खिलाड़ी में इस तरीके से आना, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। तो दोस्तों, हाउ मच एक्साइटेड यू आर फॉर शिल्पा शिंदे, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या है कहना शिल्पा शिंदे की कंफर्म बात को लेकर। और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेली खजाना। बाय बाय।